दंतेवाड़ा जिला के जावगा के बीपीओ कॉल सेंटर ले बिना कोनो सूचना के कंपनी ह लगभग 70 झन युवा मन ला निकाल बाहर करिस। देखो हमर रिपोर्ट। कलेक्टर ला चारों मुड़ा ले घेरे ए लइका मन हे जावगा के बीपीओ सेंटर में काम करैया युवा। कलेक्टर लंग अपन समस्या बताए पहुंचे युवा मन के कहना है उमल्ला कंपनी हा बिना कोनो सूचना नोटिस देहे काम ले बाहर कर दीस। तेकर से उमन के आगू रोजी रोटी के समस्या आ गए है। अचानक से टर्मिनेट कर दिया गया है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिए हम लोग और हम लोग को निकाल दिए हैं और बता भी नहीं रहे हैं कि किस लिए निकाले हैं, बोलते परफॉर्मेंस बेस पे निकाले हैं। हम लोग को बताया भी नहीं गया और हमारे अंदर ऐसा कोई हुनर नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एक साल से यहाँ टिके हुए हैं, क्योंकि तो ये तो अभी आए हैं, 4 महीने हुए इस कंपनी को आए अभी और हम लोग एक साल से जब से काम कर रहे हैं तो हम लोग के अंदर भी तो हुनर होगा ना, तभी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमने कलेक्टर सुबह हम लोग वहाँ पे आज सुबह से सर हम लोग वहाँ पे 9:30 बजे से वहीं पर बैठे हुए थे, कलेक्टर सर से हमारी बात हुई है, फिर भीमा मंडावी सर हमारे साथ आए, यहाँ पे सब खड़े हैं। कलेक्टर ने क्या सोचा लिया है कुछ सर? उन्होंने बोला कि अभी हम हमारे ऑफिस आकर वहाँ पर बात करते हैं। युवा मन के शिकायत ऊपर कलेक्टर है आश्वासन देते हुए कही कि कंपनी लंग चर्चा करके एकर कोनो न कोनो हल निकाले जाही। युवा मन विधायक भीमा मंडावी लंग भी अपन दुखड़ा बताए पहुंचीस। विधायक है कंपनी ला फटकार लगात हुए कही कि दंतेवाड़ा के युवा संघ कंपनी के धोखाधड़ी नहीं सहे जाही, कोनो भी हालात में कंपनी ला स्थानीय युवक मन ला काम वापस लेना होही। 60 बच्चे जो है कलेक्टर से मिलने आए थे, हम लोग पिछले 3 महीने से हमारा तनख्वाह नहीं मिला है, इसके बावजूद भी हमको निकाला जा रहा है। तो कलेक्टर का कहना था कि राज्य सरकार का निर्देश है कि यहाँ की डे में मत को खर्च नहीं कर सकते हैं, ऐसा कलेक्टर ने उन बच्चों को ऐसा बोले हैं। मैं अभी बच्चों के बीच में जा रहा हूँ, यदि ऐसा कर रहा है सरकार तो हमारे दंतेवाड़ा जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, दंतेवाड़ा वासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और डीएमएफ मत दंतेवाड़ा जिले के लिए ना कि कोई राज्य के लिए। मुझे लगता है वही याद आ रहा कि 50 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, एनएमडीसी के पैसे को इन लोगों ने विदेश के बाहर खर्च करते थे, वैसा ही फिर से करने की तैयारी में है कांग्रेस की सरकार, लेकिन वो संभव नहीं होगा क्योंकि ये पैसा हमारी है, हमारे दंतेवाड़ा जिले का मध्य है। मैं बच्चों के बीच में जाऊंगा आने वाला समय पर, यदि नहीं मानती है तो हम हड़ताल करने के लिए, धरना देने के लिए, चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में हमारी टीम कंपनी का ना ये विषय लले के बात करे के कोशिश करी, फिर बात करेला कंपनी कति ले कोनो आगु नहीं आई। विधायक और कलेक्टर के आश्वासन के बाद अब देखना यह है कि सुदूर इलाका दंतेवाड़ा के ये युवक मल्ला कंपनी डाहर ले वापिस लिए जाते कि नहीं। दंतेवाड़ा ले डिजिटल रिपोर्टर मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट।